हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर कैंड्रोन एलडीसी क्लासेस। तो आज हम लोग इस क्लास में भी जो है प्रीपोजिशन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। कहता है ओ डबल एफ ऑफ, इस ऑफ प्रीपोजिशन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। ये जो ओ डबल एफ ऑफ प्रीपोजिशन, यह सेपरेशन एट ए नियर डिस्टेंस, मतलब यह नजदीकी दूरी से अलगाव को बताता है, नजदीक के दूरी से थोड़े अलग होने के भाव को बताता है। कौन? ओ डबल एफ ऑफ जो प्रीपोजिशन होता है। सो जैसे अगर किसी वाक्य में से आ रहा हो, स्थान से अलग होने का भाव हो, तो उस प्रीपोजिशन उसमें हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? ओ डबल एफ ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे। अगर किसी वाक्य में से आ रहा हो और स्थान से अलग होने की बात हो रहा हो, तो ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे। कौन ऑफ? ओ डबल एफ। जैसे वह टेबल से कूद गया, ही जंप्ड ऑफ द टेबल। वो टेबल से कूद गया, ही जंप ऑफ द टेबल का मतलब क्या हो गया? वो टेबल से जंप कर गया, मतलब टेबल से उसके अलगाव को बता रहा है, अलग होने के भाव को बता रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये प्लेन जो है टेक ऑफ कर गया, तो क्या देख रहे हैं? वो प्लेन जो पहले जमीन पे था, अब वो उड़ गया, वहां से वो हट गया। तो प्लेन का जो है उस जमीन से क्या हो गया? अलग हो गया, अलगाव हो गया। ठीक है, तो ओ डबल एफ ऑफ जो प्रीपोजिशन होता है उसी सेंस में यूज होता है। कुछ दूरी पर होने का भाव व्यक्त करने में भी जो है ऑफ प्रीपोजिशन को लगाते हैं। कुछ दूरी का भाव व्यक्त करने में भी जो है ओ डबल एफ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। कैसे? देयर इज अ बिग हाउस ऑफ द हाई स्ट्रीट। कहता उस ऊंचे स्ट्रीट से जो है ना, कुछ दूरी पर जो है एक बड़ा सा मकान है। देयर इज ए बिग हाउस ऑफ द हाई स्ट्रीट। उस हाई स्ट्रीट से जो है थोड़ा दूरी पर क्या है? एक बड़ा सा मकान है। ठीक है ना, कुछ दूरी पे होने का भाव भी जो है ऑफ प्रीपोजिशन बताता है। ठीक है, प्रीपोजिशन ओ एफ ऑफ जो ओ डबल एफ ऑफ जो प्रीपोजिशन होता है, जब वो एडवर्ब के साथ जुटेगा तो उसका मीनिंग जो है सब बदल जाता है। थोड़ा सा देखिए, जैसे नहीं कहते पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है चालू करना, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद करना। ठीक है ना, तो आइए कुछ और प्रीपोजिशन को देखते हैं। अब देखिए, जैसे ऑन प्रीपोजिशन है, तो ऑन का मतलब होता है पर। जैसे रेस्ट ऑन द अपर सरफेस ऑफ ए थिंग, ऑन का मतलब क्या हो गया? रेस्ट ऑन द अपर सरफेस ऑफ ए थिंग, मतलब किसी भी वस्तु के ऊपरी सतह पे रेस्ट स्थिति में होना, क्या वहां पे क्या होगा? ऑन होता है। ठीक है, जैसे पर, ऑन का मतलब क्या होता है? पर, वस्तु या व्यक्ति से सटा हुआ, वस्तु या व्यक्ति से सटा हुआ, स्थान का भाव बताता है। जैसे दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास, वे लोग घास पे बैठे हुए हैं। तो वे लोग कहाँ बैठे हुए? घास पर बैठे हुए, ग्रास पर बैठे हुए हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ पे है? टेबल पे है, मतलब बुक जो है ना उस टेबल के जो है संपर्क में है, सटा हुआ है। वे लोग कहाँ बैठे हैं? तो ग्रास पे बैठे हैं, मतलब वे लोग जो है घास के साथ क्या है? कॉन्टैक्ट में है। तो वही लिखा हुआ है, अगर वे लोग घास पर बैठे हैं, वाक्य में देखिए पर लगा हुआ है, ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। बुक जो है टेबल पर है, तो बुक कहाँ है? टेबल पर है, तो पर लगा है तो ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। ऐसे भी वस्तु या व्यक्ति से वो सटा हुआ होगा, कॉन्टैक्ट में होगा, ऑन लगेगा। ठीक है ना, फिर कहता है को, अगर वाक्य में को आ रहा हो, समय का भाव हो, तो उसमें भी ऑन प्रीपोजिशन लगता है। जैसे मैं संडे को फ्री हूँ, आई एम फ्री ऑन संडे, मैं संडे को फ्री हूँ। देख रहे वाक्य में फ्री को आ रहा है, मैं संडे को फ्री हूँ, को आ रहा है, आई एम फ्री ऑन संडे। मेरे पिताजी डेफिनेटली मेरे बर्थडे पे आएंगे, या मेरे बर्थडे को आएंगे, जन्मदिन को आएंगे। तो माय फादर इज श्योर टू कम ऑन माय बर्थडे, मतलब जिस वाक्य में को लगा हो और समय का भाव व्यक्त कर रहा हो, वहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन आएगा। फिर है देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑन टाइम का जो मतलब होता है वो बिल्कुल ठीक समय पर होता है। ऑन टाइम अगर किसी वाक्य में आ रहा है तो इसका मतलब एग्जैक्ट समय पे वो आएगा, ना आगे आएगा ना पीछे आएगा। जैसे ट्रेन जो होती है ना, ट्रेनें हमेशा ऑन टाइम खुलती हैं। जो भी गाड़ी खुलने का जो समय होता है, ट्रेन खुलने का जो समय होता है, वो ऑन टाइम होता है, इन टाइम नहीं होता है। ऑन टाइम का क्या मतलब हुआ? एग्जैक्ट अपने वो निश्चित समय पे ही खुलेगा, ठीक है ना, आगे ना पीछे। और इन टाइम का मतलब होता है समय से पहले, इन टाइम का मतलब क्या होता है? समय से पहले। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑन टाइम का मतलब बिल्कुल ठीक समय पे होता है, इन टाइम का मतलब होता है समय से थोड़ा पहले। ठीक है ना, आइए कुछ और देखते हैं।
कहता है कि विषय अगर किसी वाक्य में के विषय में या के संबंध में अगर आ रहा लिखा हुआ अबाउट या कंसर्निंग उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो उसमें भी ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं मैं महात्मा गांधी के विषय में लिख रहा हूँ या मैं महात्मा गांधी के बारे में लिख रहा हूँ, तो मैं महात्मा गांधी के विषय में लिख रहा हूँ या महात्मा गांधी के संबंध में लिख रहा हूँ, तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ऑन। आई एम राइटिंग ऑन गांधी, आई एम राइटिंग ऑन गांधी, मैं महात्मा गांधी के विषय में लिख रहा हूँ, मैं महात्मा गांधी के संबंध में लिख रहा हूँ। तो जिस वाक्य में के संबंध में के विषय में आ रहा हो तो वहाँ ऑन प्रीपोजिशन लगता है। कहते हैं अगला है सदस्य होने का भाव। सदस्य होने का भाव अगर किसी वाक्य में आ रहा हो तो वहाँ भी ऑन प्रीपोजिशन लगता है। जैसे देखिए विच साइड आर यू ऑन, आप किस साइड में हैं भाई, किस पार्टी में हैं, किस तरफ हैं, ठीक है ना, मतलब ये बताता है कि आप क्या चीज़ के सदस्य हैं, वो किस तरफ के पार्टी के हैं, तो उस स्थिति में भी जो है ऑन प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है ना। जैसे विच साइड आर यू ऑन, मतलब आप किस तरफ है भाई, तो ये सदस्य होने के बाद बता रहे हैं आप किस कमिटी में हैं, किस पार्टी में हैं, किस जुडिशरी में, कहने का मतलब जिस अगर सदस्य होने का भाव किसी टीम का हो, पार्टी का हो, साइड का हो, तरफ का हो, तो उसमें ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। फिर जो कहता है कार्य व्यापार है, स्थिति का भाव व्यक्त करने में भी जो है ऑन प्रीपोजिशन लगता है। ही इज ऑन बिजनेस, वह बिजनेस में है। ही इज ऑन बिजनेस, अगर कोई कार्य व्यापार स्थिति का भाव व्यक्त करना हो तो उसमें भी जो है हम लोग ऑन प्रीपोजिशन को लगाते हैं, ठीक है ना। ही इज ऑन बिजनेस, जैसे वो व्यापार में है, ठीक है। के बिल्कुल नजदीक, के बिल्कुल नजदीक, क्लोजर, क्लोज टू ए प्लेस और टाइम। कहता है कि अगर किसी वाक्य में के बिल्कुल नजदीक आ रहा हो, लिखा हुआ हिंदी वाक्य में, तो ये जो है उसमें भी ऑन प्रीपोजिशन लगता है। जैसे क्लोज टू ए प्लेस और टाइम, इसका अंग्रेजी हो गया देयर वाज नो हाउस ऑन द मेन रोड। कहता है मेन रोड के नजदीक जो है कोई भी घर नहीं है। तो अगर किसी वाक्य में जो है के बिल्कुल नजदीक अगर लिखा हुआ आ रहा है तो वहां भी ऑन प्रीपोजिशन को लगाएंगे। जैसे देयर वाज नो हाउस ऑन द मेन रोड, मेन रोड के नजदीक में जो है कोई भी बिल्डिंग, कोई भी मकान नहीं है, ठीक है। तो आइए कुछ और देखते हैं। जैसे देखिए आउट ऑफ है, आउट ऑफ प्रीपोजिशन का उपयोग कहाँ करेंगे? तो आउट ऑफ का मतलब ऐसे होता है बाहर के सेंस में होता है, अलग घटने के सेंस में होता है। जैसे कहते हैं मोशन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द थिंग, किसी चीज के आंतरिक से जो है थोड़ा अलग होने का जो है, मोशन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द थिंग, किसी चीज के आंतरिक से जो है अलग होने का सेंस का ये बताता है। जैसे स्थान का भाव है, ही इज आउट ऑफ दिस टाउन, वह इस शहर से बाहर है, वह इस शहर से क्या है बाहर है, तो क्या देख रहे हैं वह इस टाउन से हटा हुआ है, बाहर है, ही इज आउट ऑफ दिस टाउन, स्थान का भाव व्यक्त कर रहा है। कहता है स्रोत हो, सोर्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, का भाव हो। आई पेड इट आउट ऑफ माई ओन पॉकेट, मैंने ये जो पे किया है, पैसा दिया है, वो अपने ओन पॉकेट से दिया, अपने पॉकेट से दिया, ठीक है। तो स्रोत वो पैसा कहाँ से पे कर रहा है, तो अपने पॉकेट से कर रहा है, ठीक है ना। तो जहाँ भी स्रोत या सोर्स का भाव व्यक्त होता हो वहाँ आउट ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं। प्रयोजन है, कारण है, मतलब मोटिव हो या कॉज हो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उस स्थिति में अगर किसी वाक्य में किसी प्रयोजन या कारण का भाव व्यक्त हो रहा हो तो वहाँ आउट ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं। जैसे आई आस्क्ड हिम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैंने उससे पूछा चूंकि हमको जिज्ञासा हो रहा था। क्यूरियोसिटी मतलब होता है जिज्ञासा, इच्छा, ठीक है। तो हमको ये आई आस्क्ड हिम, हमने उसे पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये हमने क्यों पूछा, तो क्यूरियोसिटी के कारण पूछा है, देख रहे हैं इसमें कारण आ रहा है, ठीक है ना, प्रयोजन है, इसीलिए आउट ऑफ प्रीपोजिशन यूज हुआ है। कहता अनेक में से एक, फ्रॉम अमोंग, जैसे बहुत सारा दिया हो उसमें से एक को लेना हो तो उसमें भी जो है आउट ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। जैसे कह रहा है चूज वन आउट ऑफ फोर, चार दिए गए विकल्प में से एक को चुने, जैसे हम लोग कहते हैं ना, तो चूज वन आउट ऑफ फोर, चार में से एक को चुनिए, देख रहे बहुत सारे में से एक लेना पड़ रहा है।
तो इस तरह से आउट ऑफ प्रीपोजिशन को देखें। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।